हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद अब राइड स्टार्ट करी है। बहुत समय हो गया है कि राइड नहीं करी है, तो अब निकल रहे हैं फाइनली चोपटा के लिए। आज है 4 जनवरी और डे 1 है। पूरी पैकिंग कंप्लीट हो गई है, सब राइडिंग जैकेट पैंट बूट सब पहन लिए हैं, अब निकल रहे हैं। उससे पहले दिखाते हैं फुल अपनी बाइक लोडिंग और चलते एंजॉय करते हैं अपना आगे। चलो पहले दिखाता हूँ मैं अपनी बाइक। बाइक देखो, ऑल सेट लोड, लगेज, बाइक कंप्लीट, ऑल सेट है। अब निकल रहे हैं आगे, दिखाते हैं चलो। तो फाइनली बाइक निकाल ली है राइड पे जाने के लिए। 7 to 8 months बाद मैंने अब राइड करी है, क्योंकि काफ़ी समय से मैं राइड नहीं कर पा रहा था कि पहले तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद थोड़ा काम वाम में भी बिज़ी था तो राइड नहीं हो पा रहा था। अब सोच रहा हूँ कि कंटिन्यू अपनी मैं राइड करता रहूँ और वीडियो अपलोड करता रहूँ, तो टच में बने रहना। मगर उससे पहले हवा चेक करा लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल मैंने अपनी लास्ट नाइट पूरी भरवा लिया था, मगर एयर प्रेशर मैंने नहीं कराया था, क्योंकि उस टाइम हवा नहीं थी एयर प्रेशर की। तो एयर प्रेशर करवा लेते हैं, और ठंड बहुत है। मेरे हाथ देखो कैसे हो रहे हैं ठंड के मारे, बिल्कुल काफ़ी ठंड है। क्योंकि मैं कितने भी अच्छे ग्लव्स पहन लो, मैंने देख लिया कितने भी अच्छे पहन लो, मैंने काफ़ी ग्लव्स चेंज कर चुका हूँ, मगर कोई फ़ायदा नहीं है जब तक अंदर सर्जिकल ग्लव्स ना हो। उसके ऊपर ग्लव्स पहनो, हवा तक नहीं जाती है। मगर हमने सर्जिकल ग्लव्स नहीं लिए, थोड़ी मेरी गलती रही है। मगर कोई नहीं, फ्यूचर में अपडेट करते रहेंगे, आपको बताते भी रहेंगे क्या क्या राइड में क्या क्या चीज़ अच्छी लग रही हैं और क्या क्या नहीं, कौन कौन सी चीज़ें हम लेके चलें अपने साथ। हर राइड कुछ नया सिखाती है, और इस राइड में भी शायद हमें कुछ सीखने को मिलेगा। जो मिलेगा वो ज़रूर आपको ही बताएंगे, और बने रहो वीडियो में, आगे दिखाएंगे। और ये जो आप देख रहे हो, ये गाजियाबाद बॉर्डर है, इसलिए थोड़ा ट्रैफिक है। मगर गाजियाबाद पार करके मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आप पुलिस से थोड़ा पहले ब्रेकफास्ट करूँगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट अभी मैं कुछ भी नहीं करके आया और भूख मुझे काफ़ी तेज लग रही है, क्योंकि घर से मैं निकल गया था अपना 8 बजे ही और मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया। चलो रेस्टोरेंट आ गया है, पहले यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, इसलिए भूख बहुत तेज़ लग रही है। 1 घंटा करीब हो भी गया निकले, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं अपना, चलते हैं अपना आगे। मेरठ के पास ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं, और बाइक कंडीशन देख सकते हो कैसी हो गई है, क्योंकि रोड पर पूरी साफ सुथरी थी अभी तक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। अंदर आए हैं क्योंकि कुछ आंदोलन के चक्कर में रोड सब बंद कर रखा है, तो एक अंदर से रास्ता पड़ता है, मैं लिंक डाल दूंगा उसका मैप में, कभी आना हो तो अंदर से आ सकते हो। वो आता है छोटा हरिद्वार दास नाव से अंदर होते हुए आता है लिंक। रोड काफ़ी अच्छा क्या, रोड तो है ही नहीं, मेरी कंडीशन देख लो जूते की कैसे रुकती है। तो कभी भी ट्रैफिक लग रहा हो अंदर से आ सकते हो, थोड़ा लॉन्ग है मगर ठीक है, अंदर ट्रैफिक नहीं है, काफ़ी अच्छा है। क्योंकि जर्नी तो कंप्लीट करनी, जाम से अच्छा है कि हम अपना रोड पर आ सकते हैं। क्योंकि आज का जो जाम दिखा रहा था ना, ये मैंने बात भी करी थी, वो शायद देखो देखना मेरे कैमरे में रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा, जो हमारे पुलिस वाले थे वो बता रहे थे हमारे कि किसान आंदोलन के चक्कर में यहाँ पे भी आने की संभावना है, तो इसलिए वो ट्रैफिक को रोक रखा है उनने पूरा, जिससे कि यहाँ पे दिक्कत ना आए। तो करते हैं ब्रेकफास्ट करते बात करते हैं, उससे पहले वीडियो बने रहना, लास्ट तक देखना, इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे, चलो। आलू के पराठे, अचार, चाय लेने गया है, एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है, आलू के पराठे, आलू प्याज के पराठे, मिक्स पराठे खा के अब गाड़ी लोड हो गई है। अब मेरठ के बाद अब सोचा टारगेट सीधा ऋषिकेश जाके लगाएंगे। एक प्रॉब्लम हो गई यार, आओ इधर दिखाता हूँ।
मेरा बोल्ट का चार्जर था यहाँ पे, वो निकल गया है, खो गया। अब चार्जर के बिना तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। अब सोच रहा हूँ कि रुड़की में चल के चार्जर लगवाऊंगा, कोई मिल जाए शॉप ऋषिकेश में या रुड़की में, वहाँ नया चार्जर इंस्टॉल कराएंगे। चलते हैं, बाकी दिखाते हैं बाइक पे चलते हैं। फाइनली ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया, आलू प्याज के पराठे और चाय, क्योंकि घर से 8 बजे निकले थे, 9:30 बज चुके थे और थोड़ा सा ट्रैफिक भी मिला था गाज़ियाबाद में, इसलिए थोड़ा मेरठ पहुँचते पहुँचते थोड़ा 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट जो है हमेशा जल्दी करता हूँ, 8 बजे तक मैं कर लेता हूँ और मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही थी और 9:30 बज चुके थे। थोड़ा मैं खाने पीने में टाइम टेबल वाला हूँ और 9:30 बज चुके हैं। कोशिश मेरी यही है कि अब मैं जो नेक्स्ट ब्रेक लूँ वो सीधा ऋषिकेश पार करना श्रीनगर में लूँ, और टाइम काफ़ी लेट हो चुका है। गूगल बाबा हमारे दिखा रहे हैं ऋषिकेश 2 बजे तक, अगर 2 बजे मैं ऋषिकेश पहुँचता हूँ तो सीधा मुझे पहुँचते पहुँचते चोपटा 9 से 10 बज जाएंगे, क्योंकि ऋषिकेश से 6 घंटे की जर्नी है चोपटा तक की, और मैं नहीं चाहता अगर मैं बीच में स्टॉप लूँगा तो मैं काफ़ी लेट हो जाऊँगा। तो फ्रेंड्स बने रहना वीडियो में, अंत तक देखना, पूरी देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना, मज़ा आएगा व्लॉग में, क्योंकि मेरे साथ जो पिलियन है उसका भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपने साथ, क्योंकि पिलियन के साथ क्या प्रॉब्लम होती है क्या नहीं होती है, और थोड़ा सा मज़ा भी आएगा इस राइड में। आज का दिन तो हमारा ऐसे ही चलते चले जाएगा, कल का दिन हमारा काफ़ी अच्छा जाएगा। चलो देखते हैं किस टाइम तक हम कवर कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं ऋषिकेश से आगे हैं और श्रीनगर से 25 किलोमीटर पीछे हैं। ब्रेक लिया है मैगी खाने के लिए और मौसम ठंडा ठंडा काफ़ी हो चुका है, चेंजिंग आ चुकी है मौसम में थोड़ा थोड़ा, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है, क्योंकि पैक जिस हिसाब से दिल्ली से निकले थे पूरा पैक होकर निकले थे कि जो है वहाँ मौसम ज़्यादा ठंडा होगा, मगर यहाँ आते आते आज थोड़ी सी धूप निकल गई है तो गर्मी काफ़ी लग रही थी, क्योंकि काफ़ी लेयर पहनी हुई है नीचे भी, राइडिंग पैंट और वॉलमल भी इसमें है, पूरा पैक था मैं जिस हिसाब से, तो गर्मी काफ़ी लग रही थी रोड साइड मुझे भी। अब मैं सोच रहे हैं जैसे जैसे ऊपर जा रहा है मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है, पसीने आ रहे थे, अब ऐसा कुछ
फील नहीं हो रहा है। कोशिश करेंगे कि आज चोपटा तक पहुंच जाएं, क्योंकि अभी मेरे ढाबे वाले से बात हो रही थी, वो कह रहा लेट हो जाओगे, मगर कोशिश मेरी यही कि आज हमें चोपटा तक पहुंचना है। बाकी देखते हैं, जैसा जैसा होना है, जो होना है तो वो होगा ही होगा। जिस समय हम पहुँचेंगे, हमें जो टाइम हमारा सूटेबल होगा उसी टाइम पर हम पहुँचेंगे। जब तक हमारी कोशिश तो यही है कि हमें पहुँचना है। काफ़ी अच्छा बाइक ने रिस्पॉन्स दिया है, मगर मेरा एक प्रॉब्लम आ गई कि मेरा बोल्ट का चार्जर खो गया, चार्जिंग की बहुत इशू आ रही है, और कुछ नहीं है। मैं बाइक दिखाता हूँ तुम्हें, बाइक की कंडीशन कैसी है, चलो देखो। ये खड़ी मेरी बाइक, पीछे लगेज, पानी की बोतल, अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक ठाक भगत हुआ आ रहा हूँ 100-120। गंदी बहुत हो गई है क्योंकि अंदर से आए थे ना जब, तो इसलिए इशू था। ये क्लियर मेरे साथ ही आया है पवन, पीछे बैठ के एक्सपीरियंस शेयर करो कैसा लगा। बहुत भाई अच्छा लगा एक्सपीरियंस बैठ, पीछे बैठने के बाद हम ही जानते हैं कहता बीत रहा है हमारे ऊपर। तो हम थे पिलियन पे, तो पिलियन का हाल ये होता है कि पीछे बैठे बैठे वो थक ही जाता है। मौको की मेरी एक समय अच्छी खासियत है, अगर मैं जब मैं बाइक पे बैठ जाता हूँ ना, तो मैं बाइक रोकता नहीं हूँ, चाहे वो 100 किलोमीटर हो चाहे 200 किलोमीटर हो। दिल्ली से अभी तक यहाँ पे आया हूँ, से एक ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेक लिया था, वो भी कहाँ मेरठ से पीछे लिया था, और हम ऋषिकेश से ऊपर आ गए, करीब 300 किलोमीटर आ गए, 300 किलोमीटर अब सेकेंड ब्रेक लिया है हमने। हालत तो उसके बस कह रहा है कि मैं ही जानता हूँ, हकीकत में वही जानता हूँ उसका क्या हाल हो रहा है, क्योंकि हम तो बाइक चलाते रहते हैं, हमें तो प्रैक्टिस भी है, फर्स्ट टाइम बाइक पे बैठ के आ रहा है इतना लंबा। कुछ नहीं, ऐसे हो जाएंगे जो कि रोटी रख दो तो सीख जाएंगी, रात में आज उसे नींद बहुत अच्छी आएगी। चलो मैगी इन्जॉय करते हैं अपने अच्छे से, देखो मैगी। फोकस नहीं दे रहा है ठंड के मारे, मगर एंजॉय करेंगे अपनी मैगी। फाइनली मैगी खाने के बाद कुछ मज़ा आया, फील आया, कोई पहाड़ों पे आके मैगी खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। 9:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक कोई स्टॉप नहीं लिया हमने, कुछ भी नहीं लिया, 250 किलोमीटर बाइक कवर करी है, डिस्टेंस बहुत अच्छा कवर करा है, कोई भी ब्रेक नहीं लिया है। अब आगे चलते चलते एंजॉय करो पहाड़ों का व्यू। जैसे कि देखा था अभी वीडियो में, पीछे ट्रैफिक जाम है क्योंकि लैंडस्लाइड हुई है, अब बीआरओ वर्किंग पे है, हो गए 10 मिनट, अब देखते हैं कितनी देर बीआरओ वर्किंग पे होती है, जब तक बैठते हैं, चिल करते हैं, एंजॉय करते हैं, कुछ फ़ोटोशूट करते हैं अपना, क्योंकि अभी तक जब से दिल्ली से निकले कुछ फ़ोटोशूट नहीं करा, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करा है, और सोचते हैं अब कुछ शूट कर लें, अच्छा रहेगा, मिलते हैं अपना आगे। काफ़ी टाइम बाद जाम खुला है, ट्रैफिक आधा घंटा में करीब करीब हम वेट करते करते हो गया, क्योंकि थोड़ा काम चल रहा था, लैंडस्लाइड एरिया है, आधा घंटा में पूरा लगा, और उसके बाद भी ट्रैफिक दोनों तरफ है, काफ़ी आगे पीछे तक जाम लग गया। कार्स वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पीछे तक, बाइक वाला तब भी 1% निकाल लेता अपनी आगे पीछे करके, क्योंकि अभी तक मेरी लाइन चली नहीं है और मैं निकल चुका हूँ। मेरे आगे लोकल का ही है जो मुझे बता रहा था, भाई जल्दी खींच लेना वरना जाम में फंस गया तो आप चोपड़ा तक नहीं पहुँच पाओगे। हमारा हमने वहाँ तक तो अच्छा कवर कर लिया, मगर यहाँ के हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है,
अब जैसे भी है, देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। कोशिश हमारी यही है कि आज चोपटा हर हालत में पहुंचना है, फाइनल विजिट आज करना है टाइम से पहले पहले, और देखते हैं किस टाइम तो हमारा बाकी कवर होता है। कोशिश तो हमारी पूरी रहेगी आज ही कवर करने का, और टाइम 5:30 हम बज चुके हैं, हमें पूरा पूरा दिन ढलता जा रहा है, नाइट होती जा रही है, कवर करते हैं जो भी होगा, जो भी होगा ऊपर वाला जैसा कराएगा वैसा ही होगा, कोशिश हमारी पूरी है, करेंगे कंप्लीट। से पहले 14 किलोमीटर रूम लिया है, हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, बाइक नहीं चल रही थी, ठंड भी हो गई थी, तो इस चक्कर में रूम ले लिया है क्योंकि 9 भी बज गए थे, टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा था इसलिए रूम लेना पड़ा। रूम ठीक है, नाइट स्टे करने के लिए बढ़िया है, दिखाऊंगा, अभी कुछ ऑर्डर करा खाने के लिए वो भी दिखाऊंगा, बाकी मैं दिखाई देता हूँ रूम वैसे। चलो ये रूम है, ये हमारा लगेज पड़ा हुआ है पूरे में, और बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा है मगर अंधेरे के कारण नहीं दिखा पाऊंगा, सुबह जरूर दिखाऊंगा। काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है, डिनर में कुछ ऑर्डर करा है, कुछ तो था नहीं यहाँ पे, नॉनवेज था तो ऑर्डर कुछ नहीं करा, आमलेट बता रहा था खाली आमलेट है, मैंने कहा मेरे लिए मैगी ले आइयो, प्योर वेजिटेरियन हूँ मैं, अलग बनाना, कह रहा हाँ भैया बर्तन अलग है, तो करते हैं अपना।